Hello everyone. Hello. We are back again with a new video, and here is a premium professional quality tabla. It's a pure original black shisham wood. It's not possible easily. All over the others makers selling a look like a same. His called a name a Nepali shisham. Who puts a chemical on a wood and wood color will be changed like a black. But that's not a original one. If you want a original one, so. Black shisham is a heavier wood, and the grains and the sound of the sustains, resonance, everything is very beautiful sound quality. So now you can listen the tonal quality. This dude tablas, his name is Raja. He lives in USA, and tomorrow he will come and pick up his tablas. Maybe his student will pick up this tablas. So now you can listen the tonal quality of what's the sound quality of this tabla, and Raja bhai, you can also listen your tabla sound quality because it's a premium professional quality. So now you this tabla in D note. This tabla goes to easily D sharp also, and other you can one, play three scales in our handmade premium professional quality tabla, like C sharp, D and D sharp also, and this one is a A sharp, C and C sharp. You can play easily, and three scale you can play the resonance and the tone quality, the thap and chat is equal. This time this tabla in C note, but it easily goes to C sharp also. And please, can you capture this wood is a without any stain, without any polish. You see, this is the original color of this wood. Here is also is a no polish, no sustain in there also, and see this wood. It's a original black shisham wood. All our famous artists use the same wood, without polish, without lacquer, without any sustain, and without any chemical, because this time many makers use a chemical. Original on color, Nepali shisham. Bottom to mouth, same as it is, wood natural color. तो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों का मतलब एक प्यार, एक मतलब इतना व्यवहार, कि कई सारे लोग होते हैं वो चाहते हैं कि उनको ओरिजिनल ब्लैक शीशम वुड मिले. और आजकल इस मार्केट में ऐसा हो रहा है कि इस वुड में क्या हो रहा है कि एक केमिकल को यूज़ किया जाता है. इसी रेड शीशम वुड के तबले पर इस तरह का कुछ पेंट लगा दिया जाता है. देखिए, जैसे कि अभी ये ब्लैक दिख रहा है, इस पर पेंट करा गया है, ये पेंट है. तो इस तरह की वुड को जो है ब्लैक करने के लिए पूरी तरह से पेंट किया, देखिए नीचे भी पेंट है, इसको पेंट कर दिया जाता है. और इसको पेंट करने के बाद जो है आपको दे दिया जाता है ब्लैक शीशम बता के. और बहुत सारे लोगों की मेरे पास कमेंट्स आती हैं कि सर, हमने वहाँ से परचेज़ किया और हमें जो आप चीज़ दिखाते हैं वीडियो में, जो बताते हैं, वो मिल नहीं पाती है. पर आप कैसे, मतलब एक्चुअली क्या होता है, देखो सबसे बड़ी बात है कि आपका क्या बजट अलाउ करता है, क्योंकि शीशम तो नॉर्मली मिलता ही है. और उसी शीशम को क्या करते हैं कि उसी पे केमिकल वगैरह लगा के उसको ब्लैक शीशम की शक्ल दे दी जाती है, और वो जो है उसको फिर कम प्राइस में मतलब बता के, एक मतलब बेचने का एक मतलब एक टेक्निक है कि आपको बेचने के लिए वो कुछ भी कह देगा कि हाँ, ये ब्लैक शीशम वुड है, और आप भी यकीन कर लेते हैं, आपको काला लकड़ी दिख रही है और आपको लग रहा है कि हाँ, ये ब्लैक शीशम है. तो ऐसा नहीं होता दोस्तों. उसका साउंड क्वालिटी, जैसे इसमें रेजोनेंस, इसका जो आप देख रहे होंगे वुड का स्ट्रक्चर, और ये विदाउट पॉलिश हम जो है ना, सबसे बड़े यहाँ तो कभी हमने किसी तरह के कोई मतलब लेकर भी यूज़ नहीं करते हैं. सबसे पहले तो यहीं से पहचान हो जाती है तबले, और यहाँ साइड से भी पहचान ये देख ही रहे होंगे, सब पूरी ब्लैक है. तो इसका जो साउंड आता है, इसकी जो क्वालिटी आती है, इसकी जो रेजोनेंस आती है, वो सबसे बड़ा डिपेंड करता है कि जब आप खुद इसको अपना बजाया हुआ तबले को हेडफोन में सुनेंगे तो आपको पता चला क्या मेलोडी आ रही है आपके तबले में. अब जैसे कि ये दूसरे काले का तबला है, ये भी ओरिजिनल ब्लैक शीशम वुड में, ये किसी और का ऑर्डर है, कि एक्चुअली ये ऑर्डर करने पर ही बनता है और स्पेशल ऑर्डर्स पर बनता है, और ये इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल से जो है पॉसिबल हो पाती है वुड. इसलिए जो है ज़्यादा स्टॉक भी नहीं रहता है, और ये इसके लिए वेटिंग करनी पड़ सकती है आपको
20 डेज 1 मंथ अप्रॉक्सिमेटली। तो आप प्लीज हेडफोन भी आपका साउंड क्वालिटी सुनिए, ये डी शार्प में है और ये जो है राजा भाई के तबले मुजीब ने छेड़े हैं, और इसको भी आप एक बार सुन लीजिए। राजा भाई की स्पेशल रिक्वायरमेंट थी वो यूएस से ले जाने से पहले कि उनको ओरिजिनल ब्लैक शीशम वुड का जो है तबला मिले, और ओरिजिनल ब्लैक शीशम वुड का जो है उनका जो है वो मतलब यूज हो सके, वो क्वालिटी मिल सके, उसके लिए उन्होंने बड़ी मतलब रिक्वेस्ट की, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड के आर्टिस्ट जो है सेम वुड हमसे लेते हैं वो, और जितने अच्छा चाहने वाले हैं जो बजाने वाले हैं वो हमसे तो वो भी जुड़ना चाहते हैं कि जिनको अच्छे सामान चाहिए होता है, क्योंकि एक्चुअली क्या स्टूडेंट्स जो होते हैं जो बिगनर्स होते हैं उनको तो कोई भी वुड चल जाती है, क्योंकि एक्चुअली उसका तो बिगनर्स का स्टार्टिंग सीखने की है, तो मैंने उनके लिए भी तबला पेड़ लॉन्च किए हैं। एक्चुअली जिसको क्वालिटी चाहिए होती है, जिसको साउंड की मतलब एक नॉलेज आ जाती है, जैसे कि एक किसी अच्छा आर्टिस्ट से सीख रहे हैं तो वो इस तरह की क्वालिटी में कंपरमाइज नहीं करते हैं। तो ऐसे वैसे जितने भी लोग हैं जो मतलब कह देते हैं यार ये वुड ये है ये वुड ये है, तो मैं ये आपको पहचान बताता चलता हूँ ताकि आपको जो है पता लगे। और ये देखिए ये एक नेचुरल, ये देख रहे हैं विदाउट किसी पॉलिश के एक तबला यहाँ पर मौजूद है जो बना नहीं है, ये भी वीडियो में आप देखिए क्या होता है। ओरिजिनल ब्लैक इसमें रेगमाल तक नहीं लगा, अभी कुछ नहीं हो रखा इसका मतलब रेगमाल के इन पे तो रेगमाल हो गया है, रेगमाल मींस इनको थोड़ा सा फिनिश कर लिया जाता है पॉलिश, पॉलिश पेपर से, सैंड पेपर से इसको घिस दिया जाता है, घिस लिया जाता है ताकि फाइन जो वुड का नेचुरल कलर है वो दिख जाए। अब ये दूसरे काले का तबला आप इसको ये डीप है, ये डीप है अभी, दूसरे काले तक आप यूज कर सकते हैं। भेजा था, बड़ा खुश हुए और इतना खुश हो गए कि यार जो एक्सेप्ट कर रहे थे उनको उससे अच्छी क्वालिटी मिली है। ये बस आपकी दुआएं हैं, और प्लीज जो न्यू आते हैं सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि मैं न्यू डील्स देता रहता हूं, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर है प्लीज वो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को पता लगे कि ओरिजिनल ब्लैक शीशम वुड होता क्या है। एक्चुअली बस लोग नाम लेवा तो दिल्ली में बहुत पड़े हुए हैं कि नाम ले दिया ये ब्लैक शीशम, ये नहीं होता कुछ नहीं होता, मतलब लोगों को जिसके पास कुछ नहीं मिलता है वो यही बोलता है। तो मैं यही बोलूँगा आप प्लीज़ जज हैं, अपना दिमाग से डिसीजन लीजिए, साउंड क्वालिटी सुन के डिसीजन लीजिए, हेडफोन में साउंड क्वालिटी को सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। जैसे कि ये देखिए सी में भी कितना मीठा बोल रहा है तबला है। रेजोनेंस वगैरह शीशम में बहुत शार्प टोन हो जाता है, बट इसमें उन्होंने राजा भाई ने स्पेशल डिमांड करी थी कि उनके दोनों तबले ही का साउंड गोल और एकदम कॉम्पैक्ट हो, तो हमने कोशिश करी है दोनों तबले बनाने की। बस आप लोगों की दुआएं है, कहेंगे कि जो भी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, कोई सॉफ्ट टोन पसंद करता है, कोई थोड़ा शार्प टोन पसंद करता है, तो कहते हैं कि तबला बनाने वाला वही है जो हर किसी की ख्वाहिश को पूरा कर सके और उसके हिसाब से वो मेक कर सके, उसको बना सके। अब ये नहीं कि आपको बता दिया जाए हाँ अभी तो ये बोल रहा है 15 दिन बजाइए फिर ये बोलेगा, फिर 15 दिन बाद आप जब बजाते हैं तो पता लगा उसका दाने खराब हो जाते हैं, तबले का थाप चाट अलग हो जाता है, तो यही प्रॉब्लम हमारे तबले को आपको कभी नहीं आती है, कभी मिलेगी भी नहीं। ये आपकी दुआएं हैं, आपका प्यार है, आपके ब्लेसिंग्स है कि वर्ल्ड में आप हमारे तबले को अप्रिशिएट करते हैं, प्यार करते हैं साउंड क्वालिटी को। और प्लीज़ मैं यही कहूँगा मेरे जितने भी न्यू चैनल पे आते हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लिया गया ताकि आपको भी ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिल सके, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर है अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स आपकी दुआएं कैसे पता लगेगा कि आपका लाइक, तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए ताकि मुझे पता लगे आप मुझे कितना प्यार करते हैं। अब देखिए ये दोनों तबले, ये दोनों का एकदम स्वीट एंड राउंड साउंड है, और इसका मैं दिखाता हूँ आपको, ये दो मतलब ये डी में है वो डी शार्प में, थोड़ा उसका शार्प नहीं, डी में ये भी है अभी और डी में ये भी है, बट दोनों की रेंज डी शार्प की है, बट साउंड में देखिए कितना फर्क है, मैं आपको दिखाने क्योंकि शार्पनेस और राउंडनेस में क्या फर्क आता है एग्जैक्टली कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए
ये हल्का सा इससे उतरा हुआ है, हल्का सा उतरा हुआ है बट फिर भी आपको साउंड जो है ना समझ में आएगा। ये और अब इसका सुनिए, बस अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आगे भी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।